छपरा में जहरीले मिड डे मील से बच्चों की मौत के बाद से मशरक के प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल फरार हैं। जहरीला खाना खाने से छपरा में 23 बच्चों की मौत के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी छपरा ने फरार चल रहे स्कूल के प्रिंसिपल मीना देवी के खिलाफ इश्तेहार चिपकाने का आदेश मशरक थाने को दे दिया, जिसके बाद मशरक थाना ने इश्तेहार को मीना कुमारी के घर और स्कूल की दीवार पर चस्पा कर दिया है। इश्तेहार चस्पा करने के बाद गांव के चौकीदार ने गांव के रास्तों पर डुगडुगी पीटकर इश्तेहार चिपकाए जाने का ऐलान किया। आपको बता दें कि 16 जुलाई को छपरा जिला के मशरक प्रखंड के धर्मासती गांव के प्राथमिक स्कूल में मिड डे मील खाने से 23 बच्चों की मौत हो गई थी, जिसमें से एक बच्चे के पिता हरेंद्र मिश्र ने प्रिंसिपल मीना कुमारी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। ढोल पिटा के पीट के हम लोग सूचित कर रहे हैं, इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ और इस केस के जो मुद्दा है मीना देवी प्रधानाचार्य नवसृजित प्राथमिक विद्यालय धर्मासती गंडामन जिनका यही घर है, ये केस में अब तक फरार है। न्यायालय द्वारा इश्तेहार निकाला गया है कि अगर ये अविलंब हाजिर नहीं होती है तो इनके सारे सामान को कुर कर दिया जाए। आप लोग आइए ना। पिटा के पीट के हम लोग सूचित कर रहे हैं, इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ और इस केस के जो मुद्दा है मीना देवी प्रधानाचार्य नवसृजित प्राथमिक विद्यालय धर्मासती गंडामन जिनका यही घर है, ये केस में अब तक फरार है। न्यायालय द्वारा इश्तेहार निकाला गया है कि अगर ये अविलंब हाजिर नहीं होती है इनके सारे सामान को कुर कर दिया जाए। ढोल पिटा के पीट के हम लोग सूचित कर रहे हैं, इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ और इस केस के जो मुद्दा है मीना देवी प्रधानाचार्य नवसृजित प्राथमिक विद्यालय धर्मासती गंडामन जिनका यही घर है, ये केस में अब तक फरार है। न्यायालय द्वारा इश्तेहार निकाला गया है कि अगर ये अविलंब हाजिर नहीं होती है इनके सारे सामान को कुर कर दिया जाए।